सोशल मीडिया देखो या ग्राउंड लेवल पे देखो, दोनों जगह ही भारतीय जनता पार्टी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मोदी जी की जहाँ भी रैलियाँ हो रही थी वहाँ भीड़ नहीं जुट रही थी, तो इसकी वजह से चुनाव आयोग को इन्होंने आदेश दिए कि साहब वर्चुअल रैलियाँ करवाओ, भीड़ नहीं होनी चाहिए। अब इन सब से एक नरेशन तो ये तैयार हो के आ रहा है, एक चीज़ ये तैयार हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। इसी वजह से ये सीबीआई, ईडी और चुनाव आयोग सबके संरक्षण में है और इनकी सह लेकर चुनाव को डाइवर्ट करने के प्रयास में है। लेकिन जनता इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी है। किसानों का जो इनके प्रति रोष है वो इस चुनाव में देखने लायक होगा कि किसान इस बार किसे वोट करेंगे। और युवाओं का जो रोजगार का मुद्दा है, ये मुद्दा भी इस समय बड़ा अहम मुद्दा रहेगा। और तीसरा जो अहम मुद्दा रहेगा वो रहेगा महिला सुरक्षा का, क्योंकि आए दिन जो बहन बेटियों के साथ दुराचार की घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी पीछे मोदी जी की एक रैली में एक कांग्रेस की नेत्री के साथ जो है गोली मारी गई उनको, और एक सपा की रैली में एक सपा की नेत्री को गोली मारी गई। तो इस तरह की घटनाओं से भी जनता के बीच में भयंकर आक्रोश है। तो निश्चित तौर पर जो इस बार का चुनाव होगा वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान दे के जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 5 के 5 राज्यों में सत्ता से बाहर हो रही है, इसी वजह से ये इस तरह की पाबंदियां लगाने की कोशिश। राज्य का नहीं है, आप उत्तर प्रदेश के हैं, हम उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, तो हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश पर ही केंद्र रखा जाए सवाल को। लाभ किसको होगा ये बताइए। लाभ अब देखिए, चुनावी मैनिफेस्टो आने दीजिए, मैं इस समय सिर्फ हानि की बात करूंगा कि हानि भारतीय जनता पार्टी को हो रही है। अब इसका लाभ भारतीय वो बहुजन समाज पार्टी भी उठा सकती है, इसका लाभ कांग्रेस भी उठा सकती है, और इसका लाभ जो इस समय प्रमुख विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, तो उसको भी लाभ मिल सकता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने के जो गठबंधन है इस समय वो आरएलडी से भी गठबंधन है, और ईस्ट यूपी में 2-3 पार्टियाँ हैं उनसे भी उनके गठबंधन है। तो निश्चित तौर पर जो विपक्षी दल हैं उनको इस बार चुनाव में लाभ मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की 25 से ज़्यादा सीटें ना आए, क्योंकि अभी एक रैली में आपने देखा है कि एक किसान ने भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को थप्पड़ मारा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनता के बीच में इनका इनके प्रति कितना ज़बरदस्त विरोध है। सी वोटर का आंकड़ा आ रहा है 230 से 210, यानी हर हाल में बहुमत, और आप दहाई की बात कर रहे हैं। सी वोटर के आंकड़े पहले भी आए, सी वोटर के आंकड़े बंगाल में भी आए, सी वोटर के आंकड़े तो हर जगह आते हैं। ये सत्ता के हिसाब से आंकड़े बनाए जा रहे हैं, और आप देख लेना एक बार, अभी चुनाव शुरू होने दीजिए, यही सी वोटर हैं और जितनी भी जो ये एजेंसियां हैं इनके आंकड़े धीरे धीरे बदलते रहेंगे। कल मैं एक न्यूज़ देख रहा था तो उसमें तो योगी जी को 45% जनता पसंद कर रही है, जो उस आंकड़े की अगर हम बात माने। लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है, ज़मीनी हकीकत देखी जाए तो मुझे नहीं लगता योगी जी को 10% भी जनता पसंद कर रही है। इनके जो सिर्फ कोर वोटर हैं, आरएसएस के जो कोर वोटर हैं वही इनको वोट देंगे, बाकी जनता इनसे परेशान है। चाहे व्यापारी हो, व्यापारी इनसे परेशान है, युवा बेरोजगारी झेल रहे हैं वो इनसे परेशान है, महिलाएँ भी परेशान है, और किसान मजदूर भी इनसे परेशान है। धर्म के आधार पर होता है ना, इन मुद्दों पर वोट नहीं होता यूपी में। पहले जाति धर्म पे वोट हुआ करता था, लेकिन इस बार का सिनेरियो अलग है। इस बार एक मास मूवमेंट तैयार हो रहा है, और इस मास मूवमेंट में युवाओं का भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो मोह था वो मोह भंग होता दिख रहा है। जो मोह जो एक कहते ना अट्रैक्शन जो भारतीय जनता पार्टी के लिए था युवाओं का, खास तौर से क्योंकि हमारे देश में 62% से ज़्यादा युवा वोटर है, यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत माना जाता था। लेकिन 2014 में 2019 में युवाओं को भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ निराशा दी है, सिर्फ और सिर्फ लाचारी दी है। अभी भी लखनऊ में जो इको गार्डन है वहाँ पे धरना चल रहा है, और वहाँ योगी जी की जो पुलिस है वो युवाओं को लाठी दे रही है, रोजगार नहीं दे रही है, वो रोजगार मांग रहे हैं और युवाओं को लाठी मिल रही है, युवाओं को केस मिल रहे हैं। तो युवा इस समय इनसे विक्षिप्त हो चुका है, युवा इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के मूड में नहीं है। युवा साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी और इनके जो भी नेता हैं इनके खिलाफ वोटिंग करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और जब से
माननीय चुनाव आयोग ने तारीखें डिक्लेयर की हैं, तब से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में एक खुशी की लहर है कि चलो साहब भारतीय जनता पार्टी से हमें छुटकारा मिलेगा। हम जैसे लोग तो बहुत खुश हैं कि हम कम से कम जो हमारे पास एक राइट है वोट देने का राइट, इस राइट से हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेंगे। आपको ये विश्वास है कि मुक्ति मिल जाएगी? बिल्कुल 100% मुक्ति मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी इस बार तीसरे नंबर पर रहने वाली है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगी जनता। कहां से मिले आपको ये आंकड़े? जनता से मिले हैं, हम लोग रहते हैं जनता के बीच में। ये आंकड़े उसके नहीं है कि नेशनल मीडिया कुछ भी खबर बना ले कि बीजेपी को 250 सीटें मिल रही हैं, जो आप बता रहे हैं सी वोटर में बीजेपी को 230 सीटें मिल रही हैं। सच वही होता है जब नहीं नहीं भाई हकीकत नहीं है ये। आप पिछले तीन साल लगभग हो गए हैं, इसमें देख लो भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी क्लियर मैंडेट नहीं मिला है। 2019 के बाद से जहां जहां भी चुनाव हुए हैं, चाहे महाराष्ट्र में चुनाव हुए हों, चाहे हरियाणा में चुनाव हुए हों, चाहे आपके झारखंड में चुनाव हुए हों, सरकार तो देखिए लोकतंत्र का हनन करके आप सरकार बना सकते, लेकिन सरकार सिर्फ ये हरियाणा में बना पाए हैं। वहाँ भी इन्होंने जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई है, क्लियर मैंडेट इन्हें कहीं भी नहीं मिला है। मणिपुर में बना वो 2019 से पहले की बात कर रहे हैं, मैं 2019 से बाद की बात कर रहा हूँ कि 2019 के बाद से इन्हें कहीं भी जनता ने स्वीकार नहीं किया है। दिल्ली की बात कर लो आप चाहे किसी भी राज्य की बात कर लो, चावल आटा नमक तेल आप देख रहे हैं फोटो लगा हुआ मिल रहा है। तो गरीब महिलाएं जो कम पढ़ी लिखी हैं, आप गाँव से आते हैं, आप कस्बों में जाते हैं, रिश्तेदारों में जाते हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है? इसका भी कुछ असर है कि नहीं वोट पर? बिल्कुल असर है। सड़े हुए चावल मिल रहे हैं, घुन लगी हुई जो चने हैं वो मिल रहे हैं, और जो आपने गेहूं देखा है, गेहूं में कितना वो पुराना गेहूं दे रहे हैं, दो दो तीन तीन साल पुराना, जिसमें काफ़ी गंदगी है। तो इससे जनता के बीच में विरोध है कि भाई आप तो अपना प्रचार कर रहे हो, कम से कम आप अगर गरीब जनता को कोई सुविधा दे रहे हो खाने पीने की, जो कि ये देश की जनता का मौलिक अधिकार है, आपको खाना उपलब्ध कराना जनता के लिए, तन ढकने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान, ये हमारे देश की जनता के लिए मौलिक अधिकारों में आता है। तो अगर आप ये चीज़ दे रहे हो तो पहले तो इसमें आप 150-200 रुपये का बैग इस्तेमाल कर रहे हो अपना प्रचार करने के लिए। वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसे जब विपक्ष की कोई सरकार इस तरीके का कोई काम करती थी तो उस पर ये लोग हमेशा छींटा कसी करते। अपराध तो बहुत कम हो गया है, अपराध इतना कम हो गया है कि सारे अपराधी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और आप भी रिपोर्टिंग करते हैं, अजय टैनी के जो पिता ने, अजय टैनी ने अभी तक अपना जो है इस्तीफा नहीं दिया, और टैनी ये कह रहा था कि अगर मेरा बेटा आरोपी सिद्ध हो जाता है तो मैं 3 दिन के भीतर इस्तीफा दे दूंगा। और चार्जशीट दाखिल हुए लगभग 15 दिन हो चुके हैं, अजय टैनी ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। और इस तरह की मैं सैकड़ों घटनाएं आपको बता देता हूँ। कुलदीप सेंगर बाहर है, कुलदीप सेंगर सरकार अभी भी बाहर है जेल से, उसको बाइज्जत बरी कर दिया, कोर्ट ने ये कहा कि पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। तो ये लोग मैनिपुलेशन कर रहे हैं, जो अपराधी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है उसको अपराध मुक्त होने का एक सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है। और आंकड़े की अगर आप बात कर रहे हैं ना, तो इनके सरकारी आंकड़े ही कह रहे हैं कि पिछली सरकार में जो 5 साल के कार्यकाल थे, चाहे वो बहन जी की सरकार हो, समाजवादी पार्टी की सरकार हो, उसमें जो अपराध हुए हैं वो अपराध सिर्फ योगी सरकार में 3 साल में हो चुके हैं, 2017 से लेके 2020 में। 21 और 22 के जो अभी बाद के आंकड़े हैं वो आने बाकी हैं। क्राइम रेट की अगर हम बात करें, महिलाओं पर दुराचार की हम बात करें, तो वो घटनाएँ पहले से बढ़ी हैं। पिछली सरकारों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि दुराचारियों को और अपराधियों को सरकारें बचाती हुई नजर आई हों। ये पहली ऐसी सरकार रही है जो अपराधियों को और दुराचारियों को साफ तौर पे बचाती हुई नजर आई है, चाहे वो हाथरस वाला कांड हो, चाहे वो उन्नाव वाला कांड। नहीं, कहीं भी ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कौन सी पार्टी में नहीं है गुंडे सर, जहां उनको ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी ये संविधान को नहीं मानती है। ये लोग मनुस्मृति कह लें हम, या फिर ये मनुवाद या गरीबी और अमीरी के बीच का जो गैप है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये अपराधियों को साफ तौर पे संरक्षण दे रहे हैं। मानना है कि सरकार जा रही है, सरकार जा रही है। 10 मार्च को आप देख लेना कि योगी आदित्यनाथ वापस गोरखपुर पहुंचेंगे अपने मठ में।
कई 8 मार्च को आप चैनल पर अवेलेबल होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहीं रहूंगा जी और हमेशा अवेलेबल रहूंगा। और कई जगह तो सोशल मीडिया पे योगी जी का वो टिकट भी वायरल हो रहा है जो लखनऊ से गोरखपुर लोगों ने करवा दिया है कि आप मठ में जाइए, मठ ही आपकी सही जगह है।